नमस्कार, मैं हूँ रेणु भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। मुजफ्फरनगर में थाना सिविल लाइंस पुलिस द्वारा धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से लोगों के खाते से पैसों का गबन करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से पासबुक, ATM, चेकबुक, आधार कार्ड, मोबाइल फोन व नकदी बरामद हुई, जिसका खुलासा SPCT अर्पित विजय वर्गीय ने प्रेस वार्ता में किया। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना सिविल लाइंस पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा विकास भवन ATM के पास चेकिंग कर रही थी, तभी चेकिंग के दौरान धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से लोगों के खातों से पैसों का गबन करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिनसे पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि हम लोग फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाकर बैंकों में खाता खुलवाने के बाद व्यक्तियों को किसी कंपनी की स्कीम बताकर या बैंकों के मैनेजर बनकर फ़ोन करते हैं और पहला फुसलाकर उनके बैंक खातों की जानकारी प्राप्त करने के बाद बैंकों के OTP प्राप्त कर फर्जी खाते में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तथा उन्हें ATM के माध्यम एवं चेकों के माध्यम से निकाल लेते हैं और व्यक्तियों के ATM कार्ड बदल कर भी पैसे ट्रांसफ़र करके निकाल लेते हैं। आरोपियों के पास से 17 पासबुक विभिन्न बैंकों की, 21 ATM विभिन्न बैंकों के, 11 चेकबुक्स विभिन्न बैंकों की, 11 आधार कार्ड अलग अलग व्यक्तियों के, 47 फ़ोटो अलग अलग व्यक्तियों के, खाली फॉर्म बैंकों में खाता खोलने वाले, 5 मोबाइल फ़ोन, आईफोन, सैमसंग, 30,000 नकद बरामद हुए हैं। आरोपियों की पहचान अफरोज उर्फ अरमान पुत्र अफसर खान निवासी राणा थाना भोजपुरा जनपद बरेली, मोहम्मद यासीन और इसराइल निवासी मझुआ गंगापुर थाना भोजपुरा जनपद बरेली, सुमित पुत्र राजा राज निवास मलपुर थाना भौता जनपद बरेली को थाना सिविल लाइन पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आज थाना सिविल लाइन पुलिस ने 3 अभियुक्तों, 3 साथी जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया है। इन लोगों का काम ये था कि ये जो फर्जी आधार कार्ड बना के फर्जी डिटेल्स यूज़ करके अलग अलग बैंकों में अकाउंट खुलवाते थे और उन अकाउंटों का यूज़ जो हमारे जो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उसमें इस्तेमाल करते थे। इनके पास से करीब 17 अलग अलग बैंकों की पासबुक, 21 ATM, 11 चेकबुक और हमने इनसे जानकारी में ये भी पता करा है कि जो इनके ऑनलाइन अकाउंट थे हमने करीब 34 अकाउंट को ब्लॉक करवाया, जिसमें करीब 90,000 से 1,00,000 रुपये बैलेंस था। इनके पास से भी हमने 30,000 रुपये मिले हैं और मतलब आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये बरेली के रहने वाले थे, मुजफ्फरनगर के लोगों से कैसे संपर्क करते थे, कोई यहाँ का भी है? नहीं, ये जो फर्जी आधार कार्ड करते थे तो फ़ोटो और जो आगे का नाम वगैरह वो सही रहता था, पीछे एड्रेस गलत लिख देते थे। तो जैसे यहाँ का जो एड्रेस लिख देंगे, आधार कार्ड है बरेली का लेकिन एड्रेस यहाँ का लिख दे रहे हैं। क्या कोई बैंक कर्मी भी अभी? नहीं, बैंक कर्मी कोई इसमें सर कब से काम कर रहे थे खिलाफ कोई पहले? अभी इनसे पूछताछ में आया है कि ये पिछले 4-5 महीने से कर रहे थे, पहले इन्होंने जयपुर में भी ये सब काम किया है, अभी मुजफ्फरनगर में। कितने की ठगी है अब तक हो चुके हैं? अमाउंट अभी डिस्क्लोज नहीं हो पाया है कि कितना हुआ, लेकिन जो इनके अकाउंट में हमने जो अकाउंट फ्रीज करवाए हैं उसमें करीब 1,00,000 रुपए था, इनके पास से भी 30,000 रुपए मिले हैं और आगे भी जो बैंक से जानकारी की जा रही है कि कौन कौन से फ्रॉड हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज अब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज अब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।